दोस्तों ये एक स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है, जैसा कि इसका नाम है स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी। दोस्तों आजकल की जो टीवी आ रही हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं। आप इनके रिमोट को टीवी से ब्लूटूथ से पेयर कर सकते हैं, वॉइस कमांड के थ्रू इन्हें आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, साथ में इनको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पीछे जो ये टीवी है ये एक रियलमी की स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है 32 इंच की। इसके रिमोट को टीवी से कैसे पेयर करना है और कंट्रोल कैसे करना है, क्या क्या फंक्शंस इसको अगर हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो मिलते हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी रियलमी की स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी या किसी भी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के रिमोट को टीवी से ब्लूटूथ से पेयर करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। अलग अलग स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के हिसाब से ये बटन्स कुछ अलग अलग हो सकती हैं, बट प्रोसेस सेम है। आप वो दोनों बटन को फाइंड करके या वो पर्टिकुलर बटन को फाइंड करके टीवी से रिमोट को कनेक्ट कर पाएंगे ब्लूटूथ से। अभी हम रियलमी टीवी की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों रियलमी टीवी में आपको क्या करना है, ये येलो सर्कल वाली बटन को और साथ में ये नीचे वाली बटन, ये दोनों बटन को टीवी के सामने आपको रिमोट को करके लगभग 3-4 फिट के डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस को मेंटेन करके रिमोट को टीवी के सामने रख के और ये दोनों बटन को एक साथ 3 से 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। किस तरीके से करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग्स में। हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके हमें सबसे नीचे ये ऑप्शन दिखेगा रिमोट एंड एक्सेसरीज, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके अब हमें ये दोनों बटन को एक साथ थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना है 3 से 5 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आपको रियलमी का पेयरिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। वापस से आपको ये येलो वाली बटन को फिर से प्रेस करना है तो यहाँ पेयरिंग दिखाने लगेगा। जैसे ही यहाँ पे पेयरिंग दिखाने लगेगा आपको थोड़ी देर वेट करना है और ये आपका जो रिमोट है वो टीवी से ब्लूटूथ के माध्यम से पेयर हो जाएगा। ब्लूटूथ के माध्यम से पेयर हो जाने पे आपको आईआर के जैसे एकदम टीवी के सामने रिमोट को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं ये जो रिमोट है इसका आईआर आप देख सकते हैं, कैमरा के सामने इसको कर रहा हूँ तब भी हमारी टीवी जो है ऑपरेट होगी चूँकि अभी ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको वॉइस कमांड का यूज़ करना है तो इसके बाद आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे गूगल असिस्ट वाली बटन आपको दिख रही है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये वॉइस कमांड के लिए है। ओपन यूट्यूब, ओपनिंग यूट्यूब फॉर एंड्रॉइड टीवी। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी ऐप को या फिर एप्लीकेशन को वॉइस कमांड देके ओपन कर पाएंगे। साथ में ही अगर आपको सर्च वगैरह में चाहिए तो सर्च वगैरह में भी आप माइक का यूज कर पाएंगे। शिव कैलाशों के बासी, इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को सर्च करके या फिर वॉइस कमांड के थ्रू आप टाइप भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ आप कर पाएंगे और इस तरीके से आपका जो सर्च रिजल्ट है वो यहाँ पे आने लगेगा। साथ में ही दोस्तों आपका जो टीवी का रिमोट है उसकी बैटरी कितनी है ये भी आप चेक कर पाएंगे यदि आपका ये जो रिमोट है टीवी से ब्लूटूथ से पेयर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से हमें सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। हम चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाके जहाँ पे हमने अपने रिमोट को पेयर किया था रिमोट एंड एक्सेसरीज पे, यहाँ पे हमें आ जाना है। रिमोट एंड एक्सेसरीज पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई दूसरी एक्सेसरीज जैसे कि ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नीचे ये हमारा रियलमी का रिमोट कनेक्टेड है, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप चाहे तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, रियलमी रिमोट वगैरह जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी, मतलब इसमें जो सेल डले हुए हैं रिमोट में उनकी जो बैटरी है वो 94% अभी है। ये जैसे ही डिस्चार्ज होगी तो इसके हिसाब से यहाँ पे दिखाता रहेगा आपको। वैसे मोस्टली ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है और आपकी सबसे ज़्यादा ये वाले रिमोट में आपको बैटरी की प्रॉब्लम और ये रिमोट ख़राब होने की प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो इसके अगर रिमोट में कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों आप अगर अपने टीवी के रिमोट को, कोई भी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी हो, रियलमी टीवी ज़रूरी नहीं है, कोई भी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी हो उसके रिमोट को अगर उसमें ये फंक्शन है कि आपका रिमोट ब्लूटूथ से ऑपरेट हो सकता है तो टीवी के रिमोट को ब्लूटूथ से ज़रूर कनेक्ट कर लें। इससे आपको अपनी टीवी ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने Realme Smart TV या फिर कोई भी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के रिमोट को टीवी से पेयर करना है। आप देख रहे थे इन्फोडिस टेक। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।